दोस्तों 2024 में या इसके बाद कैसे 4 घंटे काम करके, समय दे करके आसानी से 10,000 रुपया से लेकर 20,000 रुपया तक, मतलब मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस बता दे रहा हूं, इससे कम तो नहीं होगा, इनकम ज्यादा भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो। 2-4 घंटा काम करके, मान लीजिए 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को काम करके कैसे आप महीने का 10 से 20 हजार रुपया आसानी से कमाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये आज का वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति 4 घंटे में अगर पैसे कमाना चाहता है गांव में, शहर में रहते हुए छोटे मोटे बिजनेस के जरिए, छोटे मोटे तरीके को अपना करके, तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में पूरी सत्यता के साथ आपको जानकारी मिलने जा रही है, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से भी अगर जुड़े व्यक्ति हैं, या अगर कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस कोई तरीका अपना करके पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो भी दोस्तों अगर आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस चैनल पे जाएंगे तो फोन नंबर है, बात भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज का, कि कैसे 4 घंटे वर्क करके 10 से 20 हजार रुपया महीने इनकम किया जा सकता है, छोटे छोटे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि नॉर्मली आप अपने जीवन में देखते भी होंगे लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं। तो मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप चाहे तो अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको कोई रुपया नहीं लगना है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तरीकों में अनेक बताऊंगा टाइम के अनुसार, लेकिन एक तरीका ऐसे बताऊंगा आपका एक रुपया भी मान लीजिए लागत नहीं लगेगा। अगर आपका अच्छा खासा मतलब 10x10 का भी कमरा है तो भी दोस्तों वहां आसानी से 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आसानी से आप काम करके तरीके से पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों इस समय अगर आप ज्यादा देखेंगे, देखिए हर चीज की जानकारी थोड़ा मैं विस्तार से बताता हूं, आप लोग कहते हो कि यार ज्यादा टाइम लेते हो लेकिन बताना भी हमारा जरूरी है। देखिए दोस्तों एक तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम अगर 10वीं क्लास पढ़े लिखे हैं, तो आप छोटे बच्चों को जो एक तरीके से आपने देखा होगा अभी अंग्रेजी में बहुत से क्लास भी हो गए, LKG UKG ये सब इंग्लिश शब्द ही है लेकिन फिर भी मतलब बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल तो 1 से शुरू होता है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों के घर के अगर छोटे बच्चे जो मान लीजिए 5 साल के आसपास हैं, उनको ये आवश्यकता होती है कि यार स्कूल तो जा रहा है ठीक है लेकिन थोड़ा 2 घंटे कोचिंग भी उसको पढ़ा सके, पढ़ा दें ताकि वो अच्छे तरीके से ट्रेंड हो जाए, परीक्षा में अच्छा हो और स्कूल में भी टॉप, मतलब बच्चा आगे जाए टॉप करे। छोटे बच्चों के भी अगर पेरेंट्स को देखेंगे तो सभी के मन में, किसी का भी मान लीजिए छोटा बच्चा है तो पढ़ाने की, उसको एक तरीके से इंटेलिजेंट बनाने की इच्छा होती है, कि बचपन में जो बच्चे मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो आगे चलकर और दिमाग लगाते हैं, दिमाग विकसित होता है, सभी लोगों की ये इच्छा होती है। लेकिन मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, आपका और लोगों का अनुभव कुछ हो सकता है अलग। देखिए दोस्तों लेकिन बहुत से जगह ऐसा है गांव में भी, शहर में तो मान लीजिए सुविधा होगा ये मान रहे हैं, गांव में भी अभी बहुत से ऐसा जगह लोग सोच रहे हैं कि कोचिंग यार बच्चों को पढ़ाना है कहां पे पढ़ाए, लेकिन वैसा मतलब विकल्प नहीं मिल रहा है, बात समझिएगा। छोटे बच्चों के लिए मान लीजिए जो बड़े लोग हैं 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं वो तो कोचिंग कर लेंगे, साइकिल से जाकर थोड़ा दूर ही होगा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कोचिंग कराना एक तरीके से घर के पास या घर के अगल बगल, दोस्तों ये उस तरीके का टीचर खोजना जो बच्चों में घुल मिलकर अच्छे तरीके से उनको पढ़ा सके। तो दोस्तों अगर आप इस योग्य लग रहे हैं कि अगर आप छोटे बच्चों को, आप छोटे बच्चों का कौन सा किताब पढ़ाना है, जो एक तरीके से मान लीजिए कि जो मेन चीजें हैं ABCD और इसके अलावा गिनती पहाड़ा, जो भी मतलब एक तरीके से
जेन्युइन चीज है वही चीज उनको सिखाना होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस काबिल है तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम इन तरीकों को भी अपना सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप ये सोच रहे हैं कि यार इसमें कैसे आप, तो देखिए दोस्तों एक बात सिंपल सा है, अगर आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो देखते देखते लोग आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं है। फिलहाल में आपको घर पड़ोस के 2-3 बच्चों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब धीरे धीरे लोग जान जाएंगे तो आसानी से दोस्तों आपके पास 10-20 बच्चे सुबह शाम आराम से पढ़ने आएंगे। और दोस्तों एक बच्चे के फीस का लगभग अगर मान लीजिए महीने का 1,000 रुपये अगर आप लेते हैं, मतलब 500 सुबह का 500 शाम का महीने में, तो दोस्तों आप चाहें तो ये दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चना अगर बनाना सीखना है, जैसे चना हलवा बनाना है, तो आप पहले घर पे बना लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, फिर आप बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा तरीका है पूड़ी लिट्टी छोला, दोस्तों ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इसका बहुत डिमांड है, समझ रहे हैं, ये इसका डिमांड घटने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पहले हम जहां पे मान लीजिए रहते हैं मार्केट में मुश्किल से 5 दुकान था चाय जलेबी का, 5 दुकान था, और इस समय हमको लग रहा है 10 से ऊपर ही दुकान है, फिर भी चल रहा है, फिर भी मार्केट बन रहा है और लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो खाने पीने से जो जुड़ा चीज है, खासकर से चाय पकौड़ा जलेबी हलवा पूड़ी कचौड़ी अनेकों मतलब चीजें, चाहे ढाबा का व्यापार है, दोस्तों इसका डिमांड जो है ग्राहक कम नहीं होने वाले हैं, ग्राहक बढ़ने ही वाले हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा, पहला तरीका जो था अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप छोटे बच्चों को जो अनबुझ बच्चे होते हैं उनको आप थोड़ा नॉलेज दे सकते हैं, उनको अच्छे खासा मतलब ट्रेंड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूं तो, लोगों की आवश्यकता होती है और पेरेंट्स को भी हेल्प मिलता है कि वो अपना टेंशन फ्री होकर काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, और बच्चे जो है एक तरीके से वो कोचिंग घर के अगल बगल कहीं मान लीजिए अच्छा खासा जगह है तो वहां पढ़ाने के लिए लोग भेज देते हैं, फिर शाम को बुलाकर ला लेते हैं। तो दोस्तों ये भी तरीका एक अच्छा तरीका है, बाकी आप देख लीजिएगा। और जो दूसरा मैंने आपको बताया उसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों तरीका हर अच्छा होता है, मान लीजिए कि जो भी तरीका कोई व्यक्ति बताता है तो कोई ना कोई तो उसको उस तरीके को अपना करके उससे पैसे या तो कमा रहा होता है या तो शुरू कर रहा होता है वो व्यापार, तो ऐसा नहीं है कि कोई तरीका खराब होता है। अब हमको देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है जिसको हम बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें, हम लोगों को ये चीज देखना चाहिए। मान लीजिए पैसे कमाने के 1000 माध्यम है तो हम सारे माध्यम का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, हमको जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ ये काम रिस्क भी होगा तो हम ये कर लेंगे क्योंकि हमारा रुचि इसमें है, इंटरेस्ट है, तो दोस्तों उस काम को कर लेना चाहिए, उस बिजनेस चाहे बिजनेस हो तरीका हो वो अपना लेना चाहिए। और इसमें एक चीज और देखना है कि वो एक तरीके से नियम कानून में होना चाहिए। अब ये नहीं मान लीजिए कोई व्यक्ति कह दिया कि जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो, ऐसे नहीं, वो नियम कानून कायदे में होना चाहिए ताकि किसी को उससे नुकसान न पहुंचे या स्वयं के ऊपर नुकसान न पहुंचे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और भी तरीके हैं, अभी ऑनलाइन का जमाना हो गया, आप अब देख लीजिए बहुत से लोगों को, लेकिन अब पता नहीं आपका मान लीजिए किस हिसाब का मान लीजिए काम है, बहुत से लोग ऑनलाइन के जरिए जैसे सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर वगैरह बढ़ा करके भी लोग पैसे कमा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो ये देख लीजिएगा, अन्यथा आप जो ऑफलाइन जो प्रैक्टिकल में कुछ करना चाहते हैं वो भी खराब नहीं है, वो भी अच्छा है। ऑनलाइन का जो जमाना है वो हमेशा मान लीजिए कि माहौल बना नहीं रहता, लोग हमेशा ट्रेंड होते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं, तो ये भी हमेशा चलने वाला नहीं है कि मान लीजिए हमेशा चल रहे हैं तो उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ अगर अच्छा खासा अगर मान लीजिए कमाई हो रहा है तो आप वो काम कर सकते हैं। जैसे इसमें भी कुछ बातें समझना, जैसे आपने देखा कि कोई व्यक्ति है वो इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा पैसे कमा रहा है, अच्छा, तो अगर आप उसको देखकर शुरू कर रहे हैं, ठीक है आपने शुरू कर दिया, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप तो उतना नहीं कमा पा रहे हैं ना,
देख लीजिए आप जहां पे हैं। अगर आप कमा रहे हैं तो आप उस काम को कीजिए, अगर नहीं कमा रहे हैं तो और कोई काम ट्राई करते रहिए, क्योंकि मान लीजिए आप क्या पता आप मेहनत ही करते रह जाएं, आप पीछे हो जाएं, क्योंकि सबका एक तरीके से चेहरा भी अलग है, काम भी अलग है, इंटरेस्ट भी अलग है, आवाज भी, मतलब उससे कोई भी चीज मैच तो नहीं कर रहा है ना कि उसको आप कॉपी करके आप कर देंगे, तो ऐसा नियम कानून के भी खिलाफ है। तो ये चीज आपको समझना है, हमको कोई भी व्यक्ति है किसी भी लाइन में समझना चाहिए, हम लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।